पदस्थ बिजली विभाग अधिकारी को रीवा लोकायुक्त की टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया एवं मौका स्थल से आरोपी अधिकारी को लोकायुक्त की टीम रीवा के लिए रवाना हो गई है। यह रिश्वतखोरी का मामला इंदौर क्षेत्र का है, जहां बिजली विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर कमलेश त्रिपाठी ग्रामीण किसान से ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। वही रिश्वतखोर अधिकारी से परेशान होकर ग्रामीण किसान ग्राम मुगवानी मदाइन टोला निवासी विनीत कुशवाहा की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया है एवं यह छापामार कार्रवाई रीवा लोकायुक्त विभाग के उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम के द्वारा दबिश देकर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिले में भ्रष्टाचार करते हुए रिश्वतखोरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी आए दिन लोगों से पैसे की मांग करते हैं एवं उन्हें परेशान करते हैं। वह शिकायतकर्ता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए रीवा लोकायुक्त पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रिश्वतखोर आरोपी अधिकारी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। ये मदाई टोला निवासी एक फरियादी हैं विनीत कुशवाहा जी, उनके द्वारा जो है शिकायत की गई थी रीवा लोकायुक्त कार्यालय में कि वहाँ के जो यंत्री हैं इंजीनियर साहब जो है वो ट्रांसफार्मर लगना था गांव में अतिरिक्त, उसकी उनने शुल्क वगैरह और सारी चीज़ें भी जमा करा दी थी, तो वो 50,000 रुपये पैसों की उनसे डिमांड कर रहे थे गाँव वाले। तो उस बातचीत जब उनकी हुई तो 40,000 में पूरा मामला सेट हुआ था। उसी एवज में उनने हमारे यहाँ शिकायत की थी, तो हमने उसका सत्यापन कराया, शिकायत का जो सही पाई गई। उसी तारतम्य में आज जो है कमलेश त्रिपाठी हैं बिजली विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता, उनको जो है उनके घर पे 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त विभाग के द्वारा आज जो है गिरफ्तार किया गया है और अभी जो है कार्रवाई चल रही है। इंदौर के पास जो एमपीवी का क्षेत्र है वहाँ पे एक कमलेश त्रिपाठी नामक जूनियर इंजीनियर है, उनके द्वारा काफी समय से किसानों को परेशान किया जा रहा था और जब भी ट्रांसफार्मर उड़ जाता था उसके बदले वो पैसों की डिमांड रखते थे। ऐसे में एक विनीत कुशवाहा करके ग्राम मुंगवानी का किसान है, वो बाकायदा इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ईडब्ल्यूएस से मिलते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हमसे पैसे की डिमांड की जाती है और 40,000 रुपये मांगा गया और जैसे 40,000 रुपये कमलेश त्रिपाठी जी द्वारा लिया गया उसी समय रेड की गई और वो रंगे हाथों पकड़ाए गए। ये तो किसान के द्वारा की गई कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई प्रशंसनीय योग्य है और पूर्व में भी कलेक्टर के द्वारा ऐसे भ्रष्टाचारियों को लगाम लगाने के लिए निलंबित किया गया और भी कई जगह ऐसे निर्णय लिए गए हैं जहां पे अंकुश दिखाई देने लगा था। और जैसा कि अभी वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार पे लगाम पूर्णतः नहीं लग पा रही है और इन सब कार्रवाइयों से लगाम लगाया जा सकता है और प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना चाहिए जो शासन प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़वाए और दंडित करने का कार्य करें। देखिए इन दिनों भ्रष्टाचार हमारे जिले में बिल्कुल चरम सीमा पर है, हम लोग हर रोज ये देखते और सुनते आ रहे हैं कि चाहे कोई भी महकमा हो रिश्वत लेते हुए वो ट्रैप किया जा रहा है, चाहे वो लोकायुक्त के द्वारा हो या किसी और माध्यम से हो, तो करप्शन तो अपने पूरे पीक पर है। और जो गरीब आदमी है करप्शन की वजह से उसको उसका अधिकार, उसका संवैधानिक अधिकार और उसके कानूनी अधिकार से उसे वंचित किया जा रहा है, चाहे वो अभी जेई का मामला हो जिसे ट्रैप किया गया, बहुत सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको भी लोकायुक्त की कुछ नसीबी है कि उमरिया जिले को कलेक्टर श्रीवास्तव जी जैसे मिले हैं जो बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट पर्सन हैं और उनकी वजह से बहुत कुछ जो सरकारी जो मुलाजिम है उन पर भय व्याप्त है और किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर वो त्वरित उसमें कार्रवाई करते हैं। वास्तव जी को साहब ने आयुक्त के द्वारा जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई की गई, जो ट्रैप किया गया, ये भी बहुत ही सराहनीय है
इससे भ्रष्टाचार में? पहली चीज तो ये है कि ये एक ऐसा नासूर है जो समाज में व्याप्त है। कुछ मसला ऐसा है कि जो पकड़े नहीं गए वो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, और जो पकड़ा गया उसी को माना जाता है कि ये चोर है। पर वस्तुतः देखा जाए तो ये जो पूरे करप्शन की जो जड़ें हैं, ये हम कहें कि इनको नीचे की तरफ नहीं है बल्कि ये ऊपर की तरफ है, आसमान की तरफ है। पूरा सिस्टम ऐसा है, किसी से पूछो तो ये कहता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी तनख्वाह से तो पैसे नहीं दे सकता हूं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मुझे पैसे देने होते हैं, और वो इस तरह से ग्राउंड लेवल पर ये सारा कुछ कार्रवाइयां करते हैं, इस तरह से वो फंड कलेक्ट करते हैं, और वो जो चैन बनी हुई है वो ऊपर तक है, बहुत बड़ा रैकेट है जो इस पूरे प्रक्रिया में लिप्त है। अब सवाल ये है कि इससे मुक्ति कैसे मिले। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे यहाँ पर रिफॉर्म की अप्रोच या जो सुधार की कार्रवाइयां थी वो बिल्कुल बंद है या ठप है। ज्यादातर ये माना जाता है कि हम दंड दे करके समाज के अंदर एक बेहतर व्यवस्था कायम कर लेंगे, और इसी तरह से ये भ्रष्टाचार और फलाना इनके लिए दुनिया भर के कानून बनाए गए, पर उन कानूनों में हमने देखा कि जो सजाएं हैं या किसी को जो पनिश करने की कार्रवाई है वो बहुत ही कमजोर है। मैं एक छोटे उदाहरण से कोई बात बताना चाहता हूं। आपने समाज के अंदर हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अगर आप शराब पी रहे हैं और गांव में महिलाओं ने एक निर्णय ले लिया कि कोई अगर शराब पीता हुआ पाया जाएगा तो उसको 50 रुपये जुर्माना लगेगा, तो अब वो जो व्यक्ति है वो 50 रुपये जुर्माने के लिए रखता है और 50 रुपये शराब के लिए रखता है। आपने ये कह दिया कि 200 रुपये अगर आप पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग करेंगे, सिगरेट पियेंगे, तो उसके लिए जुर्माना होगा। और ठीक है, इसका ये मतलब तो हुआ ना कि मैं 10 रुपये की सिगरेट पीऊं और 200 रुपये मैं जुर्माने के लिए रख लूं तो मैं कानून तोड़ सकता हूं। तो कानून और उसकी व्याख्या और पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण को लेकर जिस तरह की एक पॉलिटिकल विलिंगनेस की जरूरत है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और उसके साथ में रिफॉर्म के अप्रोच की जरूरत है कि हम वो रिफॉर्म करें और कैसे इन चीजों से हम बाहर निकल के आए, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा। जो लोग पकड़ में आए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हों, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये ना समझा जाए कि जो पकड़े नहीं गए हैं वो सबके सब ईमानदार हैं, साहूकार हैं, ऐसा माना ना जाए। उनमें भी सुधार की बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग करते हैं।